हाँ जी तो आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और इस लेक्चर में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है यूडीम्यू से पढ़ा है या फिर किसी के लेक्चर से पढ़ा है आपको लगेगा कि यार यार मैंने तो एच टी एम एल पढ़ी ही नहीं और एच टी एम एल इतनी ईजी है फिर भी अभी तक किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं तो चलो जी आ, करते हैं इसके धागे खोलते हैं पोस्टमार्टम करते हैं इसका चलो देखो अभी तक तुमने पढ़ा कि मैं एच को क्या कहता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज राइट हमने तुम्हें यही तो बताया कि क्या कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और तुम्हें बताया है कि हाइपर और टेक्स्ट और मार्कअप और लैंग्वेज का क्या मतलब है राइट right? और ब्राउजर हाइपर टेक्स्ट ही समझता है फिर हमने तुम्हें ब्राउजर का आर्किटेक्चर बताया अब बात करते हैं कि अगर एज एन डेवलपर मैं तुमसे पूछूंगा कि हाइपर मार्कअप लैंग्वेज तो एज एन डेवलपर तो मुझे ये जवाब दोगे क्या कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है भैया नहीं ये तो बहुत ही क्लास इलेवन ट्वेल्थ वाली बात हो गई अब तब जब तुम एप्लीकेशन डेवलप करोगे इतनी सारी चीजें करोगे तो मैं तुमसे थोड़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखता हूं तो देखो वो कैसे करेंगे अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि हेरिकल ऑर्डर मतलब जब भी आप एच टी एम एल बनाते हो तो आपने ऐसे लिखा देखा है कि पहले एच टी एम एल टैग आता है राइट फिर उसके बाद आपका हेड आता है टाइटल आता है फिर आपकी बॉडी आती है राइट फिर आप यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देते हो ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा अभी जनरल वे में बता रहा हूँ तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा सारी चीजें सिखाऊंगा बट अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ देखो ठीक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बॉडी होता है तो ये हेरारिकल वे में ही तो लिखा है हाँ जी बिल्कुल लेकिन जैसे ही तुम किसी से पूछोगे और एक एज एन एक्सपीरियंस इंटरव्यू में जाओगे तो वो पूछेगा वट यू मीन बाय कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो तुमने बहुत सारे फेमस टीचर्स को अपने फेवरेट भैया दीदी को ये कहते सुना होगा एच टी एम एल टैग लगा लो है ना टैग्स लगा लो क्या टैग लगा लो एच टैग लगा लो है ना क्या टैग लगा लो कि कोई और बी आर टैग लगा लो और अगर मैं तुमसे बोलूं कि कुछ टैग होता ही नहीं है एच डी एम एल में तो क्या बिलीव करोगे अरे करो या मत करो अभी हम तुम्हें करके दिखाते <laughs> देखो एच टी एम एल इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अब ये एलिमेंट्स भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टैग्स की दुनिया नहीं है एच टी एम एल क्यों अभी समझाता हूँ देखो यहां से देखना यहाँ से स्टार्ट है अब आपने एक मार्कअप लिखा कुछ जैसे आप बी लिख रहे हो मतलब हेलो टेक्स्ट को ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है मुझे इसे बोल्ड बनाना है तो इंटरनली कैसे काम करता है ये जो है वो एच की वर्किंग है ओके तो इस वर्किंग पे एच कैसे चलता है कि पहले जो भी आप लिखोगे उठस के बाइट्स बनते हैं ये हमारी पैनल में जावा क्लास चल रही है तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि बाइट कोड है होते हैं तो बाइट्स बनते हैं यानी कि मशीन लेवल कोड बनता है तो इसका वन ऐसे एक मशीन लेवल कोड बनेगा ओके अब ये जैसे बनेगा तो यहाँ पे कैरेक्टर्स में दोबारा से यहाँ से बाइट से ये कैरेक्टर बने जाएंगे जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ना कि एक कैरेक्टर ये होगा एक कैरेक्टर ये होगा एक कैरेक्टर ये होगा फिर सबके ऐसे ऐसे एक 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 कैरेक्टर टूटेंगे ठीक है आगे समझ में अब जब ये कैरेक्टर टूटेगा तो आपने कंपाइलर में अगर आप बीटेक में हो तो आपने बीटेक में या फिर बी में पढ़ा होगा कि एक स्टेप होता है टोकनाइजर राइट right? एक स्टेप होता है टोकनाइजर जिसमें टोकन बनते हैं तो ऐसे ही इसमें एक स्टेप है जिसको हम बोलते हैं टोकनाइजर ये हमारा एक क्या है टोकनाइजर अब इससे क्या होता है टोकनाइजर में आपके टोकन बनेंगे कैसे टोकन बनेंगे कि ये जो आपने ये लिखा है ना बी और ये टैग्स लिखे हैं ये जो टैग है टैग टैग यहाँ पे जो आपने एक्चुअल टैग डाले थे वो इस तरीके से टैग्स बनेगा सबका एक एक सेपरेट टैग बनेगा समझ में आया और इन टैग्स का अब लोग समझते हैं कि सिर्फ ये टैग ही हैं एच टीमल टैग होते हैं एच टीमल में नहीं नहीं बाबू भैया टैग नहीं टैग जब बनते हैं उसके बाद एक और स्टेप होता है उनको हम कहते हैं नोड्स या फिर एलिमेंट तो जो आप टैग लिखते हो इमेज उसके इक्वलेंट में हमारे जो ब्राउजर्स हैं इनके जो पार्सर हैं इनकी जो मशीनरी है उसमें कोड है कि जो टैग्स की मैपिंग होती है जब आप ये जो इमेज टैग बनेगा ना इसका मतलब है कि ये ऐसे एक एलिमेंट्स बनते हैं तो आप जब ए लिखोगे तो उसका एंकर ऐसे ऑलरेडी कोडेड है इनसाइड साइड द्राउजर पार्सल्स एंड मशीनरी ओके जब आपके एलिमेंट्स बन जाते हैं अब कुछ क्लियर हो रहा है कि ब्राउज इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स राइट तो अब समझ में आया है कि जो टैग्स बनते हैं उनके एलिमेंट्स बनते हैं राइट अब जो एलिमेंट्स है अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इमेजेस हैं हाइपर टेक्स्ट है एंकर है तो ये सारी चीजें कैसे रिप्रेजेंट होती है एक डोम में डोम क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं अभी ठीक है और डोम में कैसे एक चाइल्ड ले रहा है एक चाइल्ड ले रहा है ऐसे रिप्रेजेंट होगी तो डोम में जैसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसका बनता है लेआउट लेआउट से आपकी होती है रेंडरिंग रेंडरिंग का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा जैसे आप कोई वीडियो एडिट करते हो है ना या फिर इमेज एडिट करते हो तो तुम्हारी एप्लीकेशन में लिखाता होगा रेंडरिंग रेंडरिंग ऐसे करके रेंडरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग आउटपुट तो जैसे स्टेट में आते हैं उसके बाद प्रिंटिंग स्टेट आती है पेंटिंग पेंटिंग नॉट प्रिंटिंग इट्स कॉल्ड तो जो तुम्हें हेलो दिखता है तुम्हारे ब्राउजर पे वो तुम्हें दिखता है पेंटिंग स्टेट के बाद में तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम्हें ये सारे स्टेप समझ में आए कि हेलो यहाँ से लिखते हो तो क्या क्या होता है क्या क्या होता है टोकनाइजर एलिमेंट डोम लेआउट रेंडर पेंटिंग तब जाके तुम्हें एक हेलो दिखता है क्या ये तुम्हें पता था नहीं पता होगा आई नो दैट ठीक है क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल्ड कन्वर्सेशन uh, है ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं होती और पता होती है तो लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते तो अब समझ समझ में आया कि कैसे एक एच टी एम एल काम करता है कैसे पूरी प्रक्रिया चलती है तो चलो आगे चलते हैं एक बार देखते हैं कि एच टी एम एल की पार्सिंग कैसे होती है अब जो मैंने ऊपर तुम्हें डायग्राम बनाया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मार्कअप लिखोगे बाइट्स में कन्वर्ट होगा कैरेक्टर्स टोकन एलिमेंट्स डोम लेआउट रेंडर एंड पेंट ओके अब एक नोट की बात सुन लो जरा कि तो मैं ऐसा कह सकता हूं सो आई कैन से दैट लर्निंग आर एच टी एम एल इज नथिंग बट लर्निंग आर एलिमेंट हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो कि एलिमेंट लर्न कर रहा हूं मैं एंड एच टी एल में टैग्स के जैसा कुछ नहीं होता ऑल इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ठीक है दूसरा पॉइंट है कि एच टी एम एल एलिमेंट क्लासीफाइड इंटू द फाइव ग्रुप्स एच टी एम एल के जो एलिमेंट्स हैं जो पांच ग्रुप में क्लासीफाइड है जितने भी हमने ये एलिमेंट देखे ना इमेजेस एंड ऑल ये हमारे जो टैग्स हैं जो इमेजेस टेक्स में में है ये पांच ग्रुप में क्लासिफाइड है अब पांच ग्रुप कौन से हैं पहला होता है नॉर्मल दूसरा होता है वॉइड तीसरा होता है आरसी डेटा रॉ टेक्स्ट एंड फॉरन देखो ये तुम्हें इजिली समझ में आ जाएंगे ठीक है फॉरन भी तुम्हें समझ में आ जाएगा और रॉ डेटा भी तुम्हें समझ में आ जाएगा तो भैया बचा क्या तो चलो एक एक करके देख लेते हैं <laughs> देखो अब नॉर्मल टैक्स की बात कर लेते हैं देखो ऐसे टैग जैसे कि मुझे किसी चीज़ को बोल्ड बनाना है तो मैं बी लिख देता हूँ देखो टैग तो मैं नहीं पता होंगे तो इट्स ओके okay, मैं एज एन एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं थोड़े समझा रहा हूँ मैं तुम्हें तो करके भी दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें बताएंगे अपन ठीक है सो अभी बस तुम उतना सुनो जितना मैं कह रहा हूँ बस थोलिटिकल लेवल पर समझो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि दिस इज बॉय तो मैं ऐसे करके यहाँ से अगर एक बी लगा दूंगा तो अगर मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा तो ये पूरी लाइन बोल्ड होती चली जाएगी अगर तुमने बी आर का तुम्हें अंदाजा होगा तो बी आर कुछ इसी तरीके से काम करता है राइट तो ऐसे टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट जो देखो तो लिखा भी है मैंने रिटर्न प्रेजेंटेशन डायरेक्टली ऑन कॉल बैक ठीक है यानी कि प्रेजेंट कंटेंट विदाउट नीडिंग अ एडिशनल एट्रीब्यूट स्टार्ट प्रेजेंटेशन बट डू नॉट स्टॉप इम्प्लिसिटली रिक्वायर्ड मैनुअल स्टॉपिंग मतलब अगर मैं बी टैग लगा रहा हूँ तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा भाई नहीं तो पूरी लाइन को ये बोल्ड बना देगा तो ऐसे टेक्स्ट को पैरा को या फिर इनको हम नॉर्मल बोलते हैं ठीक है ठीके? आगे के पढ़ता हूँ मैं कि वॉइड वॉइड हैव नो रिटर्न टाइप जैसे कि इमेज है आप कहीं पे इमेज लगा लेते हो तो ये सिंगल लगता है ना यहाँ पे यूआरएल डाल देते तो एक इमेज यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाती होगी है ना ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ओके तो हैव नो रिटर्न टाइप नॉट रिटर्न प्रेजेंटेशन डायरेक्टली ऑन कॉल बैक अब रिटर्न एडिशनल एट्रीब्यूट मतलब जब भी आप उसमें कुछ लगाते हो तो वापस भेजता है सेल्फ एंडिंग होता है डू नॉट रिक्वॉर्ड एनी टोकन ठीक है अब ऐसी रिच कंटेंट डेटा क्या होता है ये ये देखो इसका मतलब कंटेंट डेटा डो नॉट अलाउ एनी अदर एलिमेंट विद इन देयर मतलब इसका कहने का मतलब क्या है देखो अगर मैंने पैराग्राफ लिखा अगर मैंने ऐसे एक पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो इसको पैराग्राफ को यहाँ एंड करूंगा या एंड करूंगा तो क्या मैं इसके अंदर एक बी आर टैग लगा सकता हूँ ऐसे और पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ बट अगर टेक्स्ट एरिया मैं लिखूंगा तो इसके अंदर कोई भी ऐसे नॉर्मल टैग अलाउड नहीं है ठीक है ये भी हम देखेंगे अब हमारा रॉ टेक्स्ट एलिमेंट्स क्या होता है प्रेजेंट करता है कंटेंट यूजिंग अ रॉ टेक्स्ट मतलब देखो कुछ नहीं जैसे कि ऐसे तुमने एलिमेंट लिखे देखे कहीं पे जैसे मैंने एड कॉपी लगा दिया तो ऐसे एड करके कॉपी राइट आ जाएगा तो मतलब ऐसे जो कि रॉ से एक सिंबल का तुम्हें रूप दे देते हैं उन्हें हम रॉ टेक्स्ट बोलते हैं फॉरन क्या होते हैं जो मेरा एच डी एम एल में नहीं लिखे गए मतलब आ, मतलब उसे हम किसी और लाइब्रेरीज वगैरह की जरूरत है उसको यूज करने के लिए तो उन्हें कहते हैं हम फॉरन एलिमेंट नेटिव एलिमेंट ओके जो कि मेरी एच के सपोर्ट में नहीं है लेकिन फिर भी मुझे वो करने हैं तो ऐसे को करते कहते हैं हम नेटिव नॉन नेटिव टू द ब्राउजर मतलब किसी और लैंग्वेज में या फिर ब्राउजर के किसी और संपर्क में लिखे गए तो रिक्वायर एडिशनल लाइब्रेरीज टू द फंक्शन कैन इम्पोर्ट रिलेटेड लाइब्रेरी टू यूज दिस एलिमेंट मतलब कि कहीं और लिखे गए हैं अगर मुझे यहां यूज करने हैं देन आई कैन इम्पोर्ट इट ओके okay? चलो जी बहुत बढ़िया अब देखो एक सेटअप uh, करते हैं मैं उससे पहले तो मैं कुछ दिखाता हूं एक सेकेंड मैंने कहाँ रखा है देखो सबसे पहले कि ये तुम्हें दिख रहा होगा कि डोम क्या होता है ठीक है डोम क्या होता है तो जैसे मैंने अभी तुम्हें डोम डिस्कस किया तो ये एक विंडो होती है ये मैं तुम्हें बताऊंगा विंडो के अंदर ये डॉक्यूमेंट आता है डॉक्यूमेंट के अंदर इतना जो पूरा हिस्सा है ना ये ये पूरा हिस्सा ये डोम कहलाता है पूरा अब तुम्हें दिख रहा होगा ये डोम तुम्हारा एच डी एम एल तुम्हारे जाब बहुत काम आने वाला है तुम्हें तो फॉर्म्स आते हैं उसके अंदर इमेजेस आती हैं उसके अंदर लिंक्स आते हैं लेयर्स आती हैं और ये सारा एक डोम है लेकिन ये जो पूरा है ये ये डोम के इंक्लूडेड ये पूरा ये तुम्हारा बोम है बी ओ एम ठीक है ये तुम्हारा डोम है अब देखो एनवायरमेंट सेटअप करते हैं क्योंकि हमें भाई प्रेजेंटेशन तो बहुत होगी हमारी थॉरिटिकल नॉलेज होगी हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है तो देखो एनवायरमेंट सेटअप में मैं तुम्हें अभी तुम्हें लगेगा भैया हम पढ़ रहे हैं एच डी एम एल आप नोट जे एस के इंस्टॉल करवा रहे हो पर इट्स ओके okay, एक वन टाइम सेटअप सही है आप नोट जे एस इंस्टॉल कर लो ऑटोमेटिकली जब इस वेबसाइट पे जाओगे लिखना डाउनलोड नोट जेस ये तुम्हारे ऑटोमेटिकली ब्राउजर को कम्पैटेबल नोट जे एस डाउनलोड कर देगी नाइनटीन एट्टी ट्वेंटी वन जो भी चल रहा होगा ठीक है अब चेक वर्जन जब जैसे ये उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करोगे वर्जन चेक करना वर्जन नोड भी करके वर्जन आ जाएगा ठीक है डाउनलोड कर लेना विजुअल स्टूडियो कोड ठीक है इसमें से कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है जो कुछ एक्सटर्नल तुम्हें कंफिगर करने की ज़रूरत है बस तुम क्या करना कि विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करते जाना ये इंस्टॉल हो जाएगा ओके आई होप ये सेटअप कर लोगे अगली वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं और मिलते हैं नए नए और बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स के साथ में ठीक है चलो जी बाय